नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। जिस तरह हमारी कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के नोन पर्सनालिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात करवाएं, तो इसी कोशिश के साथ इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं हूं वीके समयाल जी के घर, जो कि एक्स स्टेशन डायरेक्टर रेडियो कश्मीर के रह चुके हैं। तो आइए उनकी मुलाकात करवाते हैं आपके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जेके न्यूज़ पॉइंट जी। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दूं कि जिस तरह रिटायर होने के बाद उनकी बात की जाए, तो जम्मू के शोर शराबे से दूर जो है वो कहीं ना कहीं बजालता के पास कहीं गांव में जो है यहाँ पर आके अकेले जो है यहाँ पर रह रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह गार्डन की अगर बात करें, गार्डनिंग की बात करें, तो बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं। तो जब हम एक इंसान की अपनी बात करते हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल इस तरह होते हैं जहाँ हम इतने शोर शराबे में रहते हैं पूरा, कहीं ना कहीं हम कभी सोचते नहीं कि नेचर में अगर हम जाएंगे तो किस तरह हम अपनी ज़िंदगी जो है व्यतीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे जानते हैं कि उनका ऐसा क्या जो मोटिव था या किस तरह जो उनको इंस्पायर हुए और वो इस तरह नेचर के बीच, अगर आप बात करेंगे चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ है और आपको बता दूँ कि 2 किलोमीटर की दूरी तक भी आपको यहाँ पर कोई मकान नहीं नज़र आएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली जंगल के बीच में अकेले इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ आपको खींच ले आई इस जगह पर। देखिए, मैंने 30-35 बरस नौकरी की है और दुनिया के शोर शराबे में रहा हूँ। और असल में ये होता है कि जब तक नौकरी आप करते हैं तो आप अपने मर्ज़ी से जी नहीं सकते, ना अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकते हैं। आपको नियमों कानूनों के बीच में रह के काम करना पड़ता है। और मेरी ये सोच थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन स्वयं जीऊँगा, और यही कारण था कि रिटायरमेंट के बाद मैंने इस जगह का चयन किया और यहाँ पर आके एक कुटिया बनाई और यहाँ रहता हूँ। यहाँ यह है कि मैं एकदम अपनी मर्ज़ी से रहता हूँ, मुझे कोई कहने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जो इच्छा करती है, जब इच्छा करती है तब बनाता हूँ भोजन, तब खाता हूँ, जब नहीं करती है तब नहीं बनाता हूँ, जब इच्छा करती है चाय बनाता हूँ, और जब घूमने की इच्छा करती है गाड़ी स्टार्ट करके अपने बाहर निकल जाता हूँ। तो ये एक ऐसी यात्रा है जो अपने अंदर की यात्रा है, और अध्यात्म में इसी यात्रा का जिक्र हम करते हैं कि आदमी को अपने लिए जीना चाहिए, अपने अंतर के लिए जीना चाहिए, अपने अंतर में जाना चाहिए। और यही एक विशेष वजह थी ताकि मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी आगे चलती जाए और मैं एकांत और आनंद से रह सकूं। आपको बता दूं, जिस तरह यहाँ आसपास बात करें, आपको इन पहाड़ों में थोड़ी देर पहले हमने पिकॉक भी देखा, और यहाँ पर कहीं डर लगता है कहीं जंगली जानवरों आसपास, तो यहाँ पर इस तरह का माहौल रहता है। यहाँ लेपर्ड है, वो आता है कभी कभी, लेकिन वो तो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर कोई गाय भैंस वगैरह कहीं या दूसरे छोटे जानवर होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जंगल में रहें या जहाँ भी रहें, मृत्यु निश्चित है, बिना आए आप जा नहीं सकते, और किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कोई मरता नहीं है। इसलिए यहाँ आराम से रहता हूँ, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ी अच्छी आबोहवा है और अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं पक्षियों की। मोर सुबह आके यहाँ नाचते हैं, चिड़िया आती हैं, दाना चुगती हैं, तो इससे बढ़िया आनंद और हो ही नहीं सकता है। प्रकृति की गोद में हूँ एकदम। तो सर, जिस तरह यहाँ पर कुछ बच्चे भी दूर दूर से आपके पास तालीम लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? देखिए, यहाँ पर बच्चे आते हैं, मैं उनको बोला हूँ कि जो भी बबच्चे आएँ वो कम से कम 3-4 बच्चे इकट्ठे होके आएँ, तो आते हैं। कभी कभी जैसे आज भी बच्चे आए हुए हैं, तो 2-3 बच्चे आए हैं, तो ये 2-4 घंटे अपने रियाज करते हैं यहाँ पर, फिर यहीं पर प्रसादा लेते हैं, और उसके बाद शाम को 3-3:30 बजे मेटाडोर यहाँ से चलती है, वहाँ से चले जाते हैं। और बाकी सप्ताह में एक बार मैं जम्मू में जा करके इनको तालीम देता हूँ, ये है। बाकी ये आश्रम मेरे लिए खुला है, सबके लिए, जो चाहे कभी भी आ सकता है यहाँ। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक गुरु और शिक्षा की, एक बच्चे की जो गुरु और उसका एक जो रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं हमारे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उस तरह का कल्चर जो है कहीं पर दिखाई नहीं देता। हाँ, यहाँ कल्चर नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर आप पंजाब में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, बंगाल में चले जाएं और साउथ इंडियन स्टेट्स में चले जाएं, वहाँ बहुत प्रचलन है गुरु शिष्य परंपरा का। असल में आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुरु जो है, गुरु की पूजा की क्यों जाती है। देखिए, आप सूर्य को अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, आँखें जो दिया जाएंगी, है ना, तो लेकिन चंद्रमा को देख सकते हैं,
है ना, क्योंकि उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो लाइट सूर्य की है, इसीलिए चंद्रमा को आप देख पाते हैं। इसी तरह आप परमात्मा को तो देख नहीं सकते, लेकिन गुरु जो आपको परमात्मा तक जाने की शक्ति देता है, एक रास्ता देता है, उसको आप पहचान सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। इसलिए गुरु को कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। यही वजह है कि गुरु को परमात्मा तुल्य माना जाता है। यहाँ पर ये परंपरा ना जाने क्यों कम है, लेकिन बाहर के प्रदेशों में बहुत है, और मैं ज़्यादातर बाहर ही रहा हूँ, इसलिए उस परंपरा को अपने आने वाले जो शिष्य हैं मेरे, उनके साथ मैं शेयर करता हूँ, उनको सिखा रहा हूँ कि किस तरह गुरु के साथ रहा जाता है। सर, जाते जाते एक मैसेज उन सिटीजन्स के लिए जो अपनी सिटी में रहते हुए भी जिस तरह हम खुद ही जो अपनी सिटी को प्रदूषित करते हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा मैसेज तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि पक्षी आएं, क्योंकि अभी हालात ये हो गए हैं कि शहरों में आपको चिड़िया तक नहीं दिखती, गुरैया जिसको कहते थे वहाँ नहीं दिखती, और यहाँ पर मैंने पेड़ लगाए हैं और यहाँ पर गुरैया आ रही हैं, बहुत हैं यहाँ पर, और एक आदमी के ऊपर कम से कम 150-200 पेड़ जो हैं उनकी ज़रूरत है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन शहरों में ये सुविधा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी अपने अपने जिनके मकान हैं आसपास, जितना संभव हो सके वो पेड़ पौधे लगाएं और अच्छे से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त दिया। तो ये हमारे साथ है वीके संभ्याल जी, जो कि एक्स रेडियो स्टेशन रेडियो डायरेक्टर रेडियो कश्मीर के रह चुके हैं। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह शोर शराबे से जो है एक अलग ही ज़िंदगी इन्होंने अपनी, यहाँ पर अगर बात करें उनकी लाइफस्टाइल की, यहाँ पर वो रहते हैं वो भी बिल्कुल अकेले, और जिस तरह खाना भी वो खुद बनाते हैं, और आपको बता दूं यहाँ पर वो पानी के मटके भी आपको मिलेंगे जो काफ़ी समय पहले जो हमें लोगों के घरों में दिखते थे, पर अब जिस तरह लोगों ने घरों में फ़िल्टर्स लगा दिए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दूर जो हैं कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती, पर आपको इनके घर पर वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं, और जिस तरह वो पूरे नेचर के साथ जुड़े हुए, चारों ओर पहाड़ हैं यहाँ पर, और जिस तरह ने बताया कि जो स्पैरो की हम बात करते हैं जो हमें शहरों में नहीं दिखती पर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जिस तरह उन्होंने बताया कि हमें जो है अपने नेचर की बात करें तो हमें ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम घरों में पौधे लगाएं, आसपास लगाएं, ताकि जो हमारा नेचर है वो इसी तरह हरा भरा हमेशा रहे। फिलहाल मुझे और कैमरामैन कुलदीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।